राजस्थान के सीकर का मशहूर गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की काली सच्चाई सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काली सच्चाई अब सामने आ रहा है। आखिरकार इतने समय बाद क्या क्या खुलासा हुआ है, आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कौन कौन सा पर्दाफाश हुआ है दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो कि राजस्थान के अंदर क्या करना चाहते हैं और क्यों राजस्थान के तमाम लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोध में है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, राम राम सभी भाइयों को, साथ ही साथ जय श्री महाकाल। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताते हैं आखिरकार किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा जो कि एक बार फिर से राजस्थान में होना शुरू हो गया है, एक बार फिर से राजस्थान के तमाम लोग जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या क्या बात है, क्या क्या बात नहीं है, सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो को आप लोगों को तो देखना ही पड़ेगा। आपको बता दें, राजस्थान के सीकर में जिस तरीके से मशहूर गैंगस्टर राजू ठेहट को मारा गया, तो दोस्तों राजू ठेहट के बारे में लोगों का दो तरह का मनोदशा बना हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राजू ठेहट के बारे में बोलते हैं वो एक अपराधी था, अपराधिक काम करता था, गलत हरकत करता था, शराब का अवैध तस्करी करता था, तो राजू ठेहट जो कि गलत आदमी था। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राजू ठेहट जो कि दिल से काफ़ी अच्छा था, वो लोगों का बहुत ज़्यादा मदद करता था, गरीबों का मसीहा था। तो दोस्तों सच्चाई जो भी हो, जो लोग राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं तो उन लोगों को राजू ठेहट के बारे में तो पता ही होगा ही। साथ ही साथ दोस्तों अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में जो खुलासा हो रहा है, आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो कि राजू ठेहट को क्यों मारा, अब इसके मामले में भी दो बात सामने आ रही है। सबसे पहली बात तो ये बताया जाता है गैंगस्टर राजू ठेहट का दुश्मनी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के साथ था, और दोस्तों आनंदपाल सिंह जो कि साल 2017 में एक एनकाउंटर में मारा गया, तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाने के बाद गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का गैंग जो कि पूरी तरह से बिखर गया, और अब बताया जाता है आनंदपाल सिंह गैंग जो कि आज के मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मर्द हो चुका है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आनंदपाल सिंह गैंग दोनों एक हो चुका है, और इसीलिए बताया जाता है गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के कत्ल का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने दिन दहाड़े गैंगस्टर राजू ठेहट को गोलियों से भून दिया, वारदात पर ही उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि आनंदपाल सिंह के मौत का बदला लिया गया है, और दोस्तों दूसरा कारण यदि आप जानोगे तो आप भी कहोगे कि हो सकता है कि ये तर्क संगत बात हो। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के बारे में ये बताया जाता है वो लोग पंजाब में तो आतंक फैला ही चुका है, दिल्ली में भी अपना दबदबा बना चुका है, साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी वो लोग अपना खौफ बना चुका है। अब वो लोग एक बार फिर से चाहता है कि राजस्थान के अंदर वो लोग अपना खौफ बनाए। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर जेल में था, और जिस वक्त वो राजस्थान के जोधपुर जेल में था उसी वक्त उसने सलमान खान को धमकी दिया था, सलमान खान को जान से मारने का धमकी दिया था। उसने कहा था यहीं जोधपुर में मारेंगे और मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पुलिस वाले देखते रह जाएंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस वालों के सामने ही धमकी दे दिया था, वो भी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को। दोस्तों सोचने लायक बात है, तो सलमान खान को धमकी दिया गया, हालांकि सलमान खान को वो लोग कुछ भी नहीं कर पाया, और अब देखो गैंगस्टर राजू ठेहट को दिन दहाड़े मार दिया गया। तो दोस्तों दूसरी जो काली सच्चाई सामने आ रही है, दूसरी काली सच्चाई ये बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो कि राजस्थान के अंदर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, ये लोग चाहता है कि राजस्थान के लोग इन लोगों से डरे और राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा हो। और दोस्तों बार बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग चर्चा में बने रहने के लिए किसी न किसी का मर्डर कर देता है, कभी किसी से रंगदारी मांग लेता है, तो कभी किसी को कुछ कर देता है। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आज के मौजूदा वक्त में बहुत सारे समर्थक भी हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सोपू गैंग जो कि खतरनाक गैंग है, और दोस्तों बात भी सच है क्योंकि आज के मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से जितना अधिक अपराध करा जा रहा है ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाता है, और मैं तो यही चाहता हूं कि कानून व्यवस्था जो कि पूरी तरह से सख्त रहे, और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से अपराध करा जाता है ये बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए तमाम पुलिसकर्मियों को कड़ी दृष्टि की आवश्यकता है। दोस्तों अगर दृष्टि नहीं रखा जाएगा और यदि कानून को स्ट्रिक्ट नहीं करा जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि अपराध रुकने वाला है। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में दूसरी काली सच्चाई यही बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो कि आज के मौजूदा वक्त में राजस्थान के अंदर अपना खौफ दिखाना चाहता है, दबदबा दिखाना चाहता है, अपना दादागिरी जमाना चाहता है, और इसीलिए दिन दहाड़े गैंगस्टर राजू ठेहट को गोलियों से भून दिया गया और उसके कत्ल का जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लिया। तो दोस्तों रोहित गोदारा के बारे में बताया जाता है वो भी चाहता है कि वो विदेश से अब भारत आ जाए, भारत आने के बाद वो राजस्थान में दादागिरी चलाए और लोगों को डराए, धमकाए, रंगदारी वसूले और अपना नाम जो है सो बनाए। लेकिन दोस्तों नाम इतना आसानी से तो नहीं बनता है, गलत काम करने से ही केवल नाम नहीं बनता, अच्छा काम करने से ही नाम बनता है।
तो दोस्तों आज की मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के बारे में पूरे राजस्थान के तमाम लोग जो कि विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि अच्छा काम करता है। तो भाई क्या अच्छा काम करता है मुझे तो नहीं है पता, अब आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हाँ दोस्तों, जिस तरीके से गैंगस्टर राजू ठेहट को सीकर में मारा गया, तो राजस्थान के सीकर में राजू ठेहट हत्याकांड के बाद अब चारों ओर सनसनी मचा हुआ है, चारों ओर हलचल मचा हुआ है और लोगों के अंदर कहीं न कहीं एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक खौफ तो बना हुआ ही है। और दोस्तों कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग यदि राजस्थान में अपना पाँव फैलाते हैं तो आने वाले दिनों में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वारदात देखने को मिल सकती है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि राजस्थान पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो लोग पूरी तरह से सख्त हो जाएं और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से अपराध हो रहा है, जिस तरीके से दिन दहाड़े लोगों को जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कौन कौन सी काली सच्चाइयां अब सामने आ रही है, वो भी गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों कभी भी गलत काम नहीं करना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों मिलता हूं अगले नए वीडियो में। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करना और बस अच्छे से रहना, मजे से रहना, कभी भी गलत काम नहीं करना।